उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आने के बाद से ही अयोध्या में साल 2017 से हर साल छोटी दिवाली पर दीपोत्सव मनाया जाता है और हर साल पिछले साल के दिए जलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाता है। आज रामनगरी अयोध्या में फिर बनेगा विश्व रिकॉर्ड, जहां दीपोत्सव में एक साथ करीब 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामनगरी अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें राम की पेड़ी पर 21 लाख दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। राम की पेड़ी के अलावा अन्य जगहों पर 7 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसके बाद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक शामिल होंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कैबिनेट के कई सदस्य शामिल होंगे। इनके अलावा 50 से अधिक देशों के राजनयिक इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में किस वर्ष में कितने दिए जलाए गए। यूपी सूचना विभाग के मुताबिक अयोध्या में साल 2017 से अब तक 1 साथ लाखों मिट्टी के दिए जलाकर इतिहास रचा गया है, जिसमें साल 2017 में सरयू के घाट पर 1.71 लाख दिए जलाए गए, साल 2018 में 3.01 लाख दिए, साल 2019 में 4.04 लाख दिए, साल 2020 में 5.51 लाख दिए, साल 2021 में 9.41 लाख दिए और 2022 में 15.76 लाख दिए जलाए गए थे। और इस बार यानी कि साल 2023 में 25 लाख दिए जलाए जाने की योजना है। अयोध्या में आज दीपोत्सव से पहले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बता दें अयोध्या में यूपी सरकार की कोशिशों और राम मंदिर निर्माण के बीच पर्यटन में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। सूचना विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या में साल 2023 में सितंबर तक 1.77 करोड़ पर्यटक अयोध्या आ चुके हैं और आज एक बार फिर हर साल की तरह दुनिया देखेगी रामनगरी की भव्यता का अलौकिक नजारा।